लाइफ की किसी भी फील्ड में सक्सेस वो इंसान होता है जो चीजों को बाकी लोगों से पहले समझ लेता है, जो आने वाली कल की तैयारी आज से ही शुरू कर देता है। एंड गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन में आप परेशान हो गए हैं, आपकी लाइफ एक जगह स्टक होकर रह गई है, एक जगह फंस कर रह गई है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आप छतरपुर से इंदौर जा रहे हैं और रास्ते में सागर में आपकी कार का एक टायर पंचर हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? क्या आप रोना शुरू कर देंगे? क्या आप किस्मत को कोसना शुरू कर देंगे? क्या आप कार को कोसना शुरू कर देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि उस समय क्या किया जा सकता है। क्या मेरे पास स्टेपनी है, टूल्स है कि मैं टायर फटाफट चेंज करूं और आगे बढ़ूं? नहीं है तो आगे से ध्यान रखूंगा। क्या मैं किसी मैकेनिक का अरेंजमेंट कर सकता हूं? क्या मैं किसी से हेल्प ले सकता हूं? क्या मैं गाड़ी को धक्का देकर थोड़ा आगे तक पहुंच सकता हूं? आप सॉल्यूशन ढूंढोगे ताकि आप अपने सफर को रिज्यूम कर सको, दोबारा कंटिन्यू कर सको और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। तो गाइस, अगर हम इस लॉकडाउन को लेकर परेशान रहेंगे और कोरोना वायरस को इसी तरह कोसते रहेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर हम इस समय में ऐसे कैरियर को देखेंगे कि जो इस लॉकडाउन के बाद ग्रोथ करेंगे, ऐसी फील्ड देखेंगे, ऐसे बिजनेस देखेंगे जो इस लॉकडाउन के बाद ग्रोथ करेंगे, तब हम एडवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। तो गाइस, जो ये लॉकडाउन पीरियड है, जो ये पैंडेमिक पीरियड है, ये सबसे बुरा काल था, आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा टाइम ना हमारी पीढ़ी में अभी तक आया है, ना हमसे पहली वाली पीढ़ी में ऐसा टाइम आया था कि जब एक चीज के कारण पूरी दुनिया एक समय में एक साथ थम गई हो। तो गाइस, यही टाइम है जब हमें देखना है कि इस डार्क टाइम को हम लाइट टाइम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कैसे इस बुरे समय को एक गोल्डन टाइम से बदल कर, गोल्डन टाइम का यूज कर गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स है जहां से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज देख के वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो हाय, दिस इज कुणाल कैलाशी विद प्रशांत। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द वेरी वार्म एंड हॉट टॉपिक, हाउ टू यूटिलाइज दिस पैंडेमिक पीरियड। तो बात करते हैं सबसे पहला सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स सेक्टर आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि आज के इस कोरोना टाइम में कोई भी लोग घर से बाहर बेवजह नहीं निकलना चाहते, लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी जो भी बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो उनके घर में ही डिलीवर करवा दी जाए। तो इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ई कॉमर्स कंपनीज में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों ढूंढ सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसी हमारी जो बड़ी ऑनलाइन ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो अपनी कंपनीज को बढ़ाना चाहती है और इसके तहत वो 12,000 नई वैकेंसीज ला रही है। फ्लिपकार्ट, जो कि हमारे 5 बड़े शहरों तक सीमित थी, वो अपनी सीमाएं बढ़ाकर 300 बड़े शहरों तक फैलाना चाहती है और उसके तहत वो 4,000 वैकेंसीज अपनी कंपनी में निकाल रही है। इसकी बाकी की इंफॉर्मेशन आप इनकी साइट पे लॉग इन करके जॉब पोर्टल में देख सकते हैं। तो गाइस, जो दूसरा सेक्टर है कि वो कैसे हम अपने बिजनेस को डिजिटली मार्केट कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को डिजिटली ब्रांड कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को डिजिटली मैनेज कर सकते हैं। एंड गाइस, इस लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के यूजेस में 87% इंक्रीज हुआ है। एंड गाइस, आज की डेट में जो ऑनलाइन कॉमेडी होती है, लाइव परफॉर्मेंस होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो सारी अपनी मीटिंग ऑनलाइन कर रही हैं। सोशल इवेंट्स हो गए, पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, रिलीजियस इवेंट्स हो गए, ये सारे आज की डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो गाइस, आज इस लॉकडाउन से हमने ये पाया है कि खुद को डिजिटली एक्टिव रखना कितना जरूरी है। अगर आप इस लॉकडाउन के बाद एक अच्छा कैरियर चाहते हैं, तो आपको जो हमारा सेकेंड सेक्टर है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें एक्टिव होना ही पड़ेगा। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें आप अपना करियर कहीं भी बना सकते हैं। एंड गाइस, जो ये डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर था, इंडस्ट्री थी, ये वैसे ही ग्रो कर रही थी और अब लॉकडाउन के दौरान ये तो और तेजी से ग्रो कर रही है। आने वाले 1 या 2 साल में ये इंडस्ट्री अराउंड 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली थी, बट अब तो ये और मल्टीप्लाई करेगी। एंड गाइस, ये बहुत ही वास्ट सेक्टर है, इसमें आप अपना करियर कहीं भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्विटर मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी को सर्वे
सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस अपने इंटरेस्टिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कहीं भी अपने लिए स्कोप ढूंढ सकते हैं और अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्प्रेडिंग सेक्टर है हमारा हेल्थ सेक्टर। बाकी सेक्टर के साथ ये भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हाइजीनिक हो चुके हैं। अगर आज उन्हें छींक भी आती है तो उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया या उससे रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तो अगेन आप इसमें अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों देख सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, एज अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आप फिजियोथेरेपिस्ट या योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे अपनी कैपेबिलिटीज को देखकर, अपने इंटरेस्ट को देखकर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कोविड-19 की वजह से हेल्थ सेक्टर में हमारे लोग मास्क, हमारे आपके सैनिटाइजर वगैरह बनाने वाली कंपनियों को बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही आप अपने कैपिटल को देख के, अपने कैपेबिलिटीज को देखकर जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको इक्विपमेंट्स हैं, उनको बनाने में भी अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। गाइज अगर नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि हमारी जो फैमिली होती है वो हमारे कपड़ों के बजट पर कटौती कर सकती है, हमारे खिलौनों के बजट पर कटौती कर सकती है, हमारे पॉकेट मनी की बजट पर कटौती कर सकती है। बट जब बात एजुकेशन की आती है तब हमारे इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले। एंड इस लॉकडाउन के दौरान आपने ये महसूस किया होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह ग्रो कर रही है। तो गाइज और मैं आपको बता दूं, जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने भी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी बनाई है। एंड DU ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट लेना स्टार्ट कर ही दिया है। एंड जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लास को अडेप्ट किया है। इस लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर बैठे ही अपने सिलेबस को कम्प्लीट कर रहे हैं, वीडियोज के थ्रू क्लास ले रहे हैं, उन्हें जो डाउट है वो एक्सपर्ट से क्लियर कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद ग्रो करेगा ही करेगा। एंड गाइस इसमें आप अपना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग कहीं पर भी अपना करियर बना सकते हैं। आप चाहे, अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है तो आप एज अ ऑनलाइन ट्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जैसे कि अनअकैडमी हो गया, उस पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा टीचर है जो ऑनलाइन नहीं जा पा रहा है उसको आप हेल्प करके उससे रेवेन्यू या प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस सेक्टर में कहीं पर भी जा सकते हैं। आप एडमिन सर्विस दे सकते हैं कहीं पर, किसी और तरह की भी आप सर्विस दे सकते हैं। तो गाइस यही है लास्ट में कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस फील्ड में कहीं पर भी जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज टेक्निकल जॉब्स में भी देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 में बहुत सारे ऑफिसेज जो है वो बंद हो चुके हैं, बट ऑफिसेज बंद हुए उनका काम नहीं, उन लोगों ने अपने काम को जारी रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है और ये उन्हें बहुत ही अच्छी फैसिलिटी लगी है। ये विन-विन कंडीशन में है। विन-विन कंडीशन में ऐसे है कि आपके कंपनीज के लिए ज्यादा वर्क इंसान कर रहा है अपने घर में बैठ के, और जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें अपना घर में ही एक ऑफिस एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी MNCs कंपनियां हैं जो इस वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप फेसबुक, लिंक्डइन, naukri.com, shine.com, आप इनमें जाके अपनी इन टेक्निकल जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी जॉब्स मिल रही है इस टाइम पे। इसके अलावा जो हमारे IT इंटरेस्टेड लोग हैं या फिर जो IT से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमारे दोस्तों ने किया हुआ है, वो अपना करियर वेब डिजाइनिंग, अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 5 ऐसे सेक्टर देखे हैं जो लॉकडाउन के बाद डेफिनेटली ही ग्रो करेंगे ही करेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप भूल रहे हैं शायद, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज हैं और जो आपका पैशन था, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो आपके जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के नीचे दब चुकी हैं, यही वक्त है उनको दोबारा से डेवलप करने का, उनको निखारने का। अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने ऑडिशंस लिंक तैयार कर सकते हैं। अगर आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है तो आप गिटार सीख सकते हैं बजाना। उसके अलावा आप गिटार ऑनलाइन किसी को सिखा भी सकते हैं और अगेन आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखना, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।
तो जो वक्त आपने गवा दिया है, जो कुछ आप हार चुके हो, उसे दोबारा जीत जाइए और बाजीगर बन जाइए। जय हिंद, जय भारत।